सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। डू हेलो करिए आप भी सबसे। देखिए आप भी हेलो करिए। सो 3 डेज बैक नियरली वन इंसिडेंट हैपेंड विद मी, जिसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी शेयर किया था। हाँ वेट वेट। सो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो डूडल को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, बट जो नहीं करते हैं उनके लिए पहले मैं ये वीडियो शेयर कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ हुआ क्या था। नहीं, डॉग्स को क्यों पार्क में नहीं ला सकते? पॉटी ये कर नहीं रहा पार्क में, तो क्या नहीं, रीजन नहीं, है? आप डॉगीज को नहीं ला सकते क्यों? क्या रीजन है? भाव भाव कर रहा है, स्ट्रीट डॉग्स भाव भाव नहीं करते? क्या डिस्टर्ब हो रहा? वो आपके पास एक बार भी आया, उसने आप पे बात किया? मैं नॉर्मली टहला रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसको यहाँ लाने की जरूरत है। और ये यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं, स्ट्रीट पे मैं कैसे, मैं किधर कर लाऊंगी इसे? आई हैव चेक्ड इट। हाँ वो अलाउड है, आप एक बार चेक करके दिखा दीजिए, नहीं है तो मैं नहीं लाऊंगी। अरे तो क्या जरूरत है भाई इसको यहाँ लाने की? आप बाहर नॉर्मली कहाँ टहलाऊंगी? गंदगी क्या गंदगी की आप बताइए ना, क्या गंदगी करी इसने? क्या इंश्योर करूंगी? टॉयलेट स्ट्रीट डॉग आके करते हैं यहाँ पे, जितनी गंदगी, इसमें क्या इशू है? अभी आपको पॉटी से इशू था, मैंने कहा वो करता नहीं है क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, टॉयलेट पे वो कंट्रोल नहीं है, तो फिर उसमें आपको इशू आ रहा है। ये कहाँ लिखा है कि नहीं कर सकता टॉयलेट? आंटी तो मैं, आप मेरे इशू समझिए, मैं इसको किधर टहलाऊंगी? इसको मुझे भी एक्सरसाइज करानी होती है, टहलाना होता है। क्या ये डिस्टर्ब करता है? आप कहाँ रहते? आप लॉजिकल टॉक करेंगे? आप कहिए कि ये पॉटी कर रहा है, आप उठाती नहीं हो। अगर वो करेगा भी तो आई विल पिक इट अप, आई एम नॉट लाइक दैट। तो ये डॉगी तो आपने रखा है किसी और ने बोल? हाँ तो डॉगी रखा है तो मैं उसकी टेक केयर कर रही हूँ ना, मैं आपसे कह रही हूँ आप टहलाने लाइए। अपने घर पे करिए, नहीं तो ये आप भी तो अपने घर पे टहल सकते हैं, नहीं टहल रहे ना? उसमें करिए ना, तो ये प्रॉपर प्लेस है, दिस इज मेंट फॉर देम। तो आप, इफ यू आर नॉट हैविंग एनिमल, मेरा कंट्रोल है मेरे एनिमल पे। इफ यू डोंट थिंक आई नो माई डॉग, मेरा कंट्रोल है, उसने कुछ नहीं किया ऐसा, तो मैं लाती रहूंगी। आप जब खुद ही इस तरह से बिहेव करेंगे? हाँ, मैं कोई बिहेव नहीं कर रही हूँ, गलत आप है इस टाइम। आप तो उसके हम लाएंगे, मैं तो ऑब्वियसली लाऊंगी। हाँ। मैं ऑब्वियसली, मेरे पास कोई और प्लेस नहीं है इसको टहलाने के लिए। आप सबने वीडियो अब देख लिया है तो मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। नॉर्मली मैं डूडल को पार्क रात या शाम के टाइम ले जाती हूँ जब लोग नहीं होते, जिससे कि ये लोग होंगे और फिर ऐसे बोलेंगे तो फिर फालतू में क्यों करना। तो कभी कभार मैं मॉर्निंग में भी लेके जाती हूँ। तो जब भी मॉर्निंग में ले जाती हूँ, मोस्टली ऐसा कोई ना कोई टोक देता है। जनरली मैं से एक लोग कोई टोकता है तो मैं इग्नोर करके अपना टहलाती रहती हूँ। बट अभी जो मैंने वीडियो शेयर किया उसमें पहले एक अंकल बोल के गए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं टहलाती नहीं। हाँ वेट वेट, बस बता दो सबको व्हाट हैपेंड है ना, नॉर्मल हो जाइए, बता देती हूँ। हाँ तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर एक आंटी आई, वो बोलने लगी कि ये डॉग बात करेगा तो फिर मुझे डिस्टर्ब होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे आने लगी गुस्सा, मैंने अपना कैमरा ओपन किया, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि आई हैव द प्रूफ व्हाट दे आर डूइंग। तो अचानक से वो आंटी जाने लगी, फिर ये अंकल लोग बोलते रहे ये वो। मैंने उन्हें बोला कि एज पर द रूल्स वी आर अलाउड टू ब्रिंग आर डॉग्स इन द पार्क, बट उन्हें रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ही उस पर रहते हैं कि नहीं हमारा रूल है, हम अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बात करेंगे और आपको फिर नहीं आने को देंगे। मैंने भी कहा आप कर लो, आई नो कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रूल्स भी नहीं पता, और सब लोग ज़रूरी नहीं स्टैंड ले पाए, कुछ लोग ले लेते हैं कुछ नहीं ले पाते। यू वोंट बिलीव, मैंने आज तक उस पार्क में एक भी डॉग को टहलते हुए नहीं देखा, डॉग अपने कोई भी नहीं टहलता। उन्होंने खुद बोला कि जितने भी यहाँ पर डॉग ओनर्स हैं हमने उनको बोल रखा है कि आप पार्क में नहीं आ सकते हो, आप स्ट्रीट में, हाँ आप स्ट्रीट पर ही टहलाओ, तो फिर उन्होंने मान रखा है। एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली अपने फादर के प्लेस पे शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है यहाँ पे किस किस के पास डॉग्स हैं। मतलब देयर वुड बी सो मेनी पेरेंट्स जिनको, जिन्होंने जो अपने डॉग्स को पार्क में ला के नहीं टहला रहे हैं, जबकि दे आर अलाउड टू ब्रिंग देम। वी आर लीगली राइट एंड दे आर रॉन्ग, बट स्टिल वी आर ऑन द विक्टिम साइड। बट वाई? मेरा एजेंडा ये नहीं है कि मुझे वो जो अंकल लोग बैठे हैं उनको कुछ उनके खिलाफ हो, नहीं। मेरा एजेंडा है जो पीपल लाइक दोज एंड पीपल लाइक मी, जो कि डेली ये सब फेस करते होंगे। मतलब इफ़ वी सी इन इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ पेट पेरेंट्स ने ऐसा इशू फेस किया होगा, मेजॉरिटी ने। बट ऐसा क्यों होता है जब लॉ इज इन आर फेवर? सो ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि जो ऐसे लोग हैं इस टाइप के, जो पेट पेरेंट्स को हैरेस करते हैं विदाउट एनी
फॉल्ट कि मॉर्निंग में आप खुद सोचो जाओ और ऐसे रोज टोका जाए तो मूड ऑफ हो ही जाता है, समटाइम्स यू आर नॉट इन दैट मूड। तो ऐसा क्या सोल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं इन जनरल फॉर जनरल पब्लिक? मेरे पास यू वोंट बिलीव इतने DMs आए ना पेट पेरेंट्स के कि दे ऑल्सो फेस द सेम इशू और हमने भी किया है बट हम कुछ एक्शंस नहीं ले पाते हैं। बट सो आई वॉन्ट कि इतने सारे अगर लोग फेस कर रहे हैं तो देयर शुड बी सम सोल्यूशन। जब लॉ इज इन आवर फेवर, वी आर लीगली राइट, सब कुछ फेवर में है, सो व्हाई आर दीज पीपल हैरेसिंग पेट पेरेंट्स लाइक अस? ऐसा क्यों होता है? सो व्हाट कुड बी द सोल्यूशन जो हम मजॉरिटी लोगों को हेल्प कर सके? सो आई डोंट थिंक सो इफ इट इज राइट और रॉन्ग, देयर शुड बी वन बोर्ड कि पेट्स अलाउड, डॉग्स अलाउड, या सम नोटिस जो AWPI की है कि डॉग्स आर अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस, दीज वो लग जानी चाहिए जिससे कि उन्हें समझ आ जाए और वो किसी भी पेरेंट को मना ना कर सके क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है बोर्ड। और आई थिंक सो मेजॉरिटी प्लेसेस या पार्क्स में ये चीज़ लगनी चाहिए, आई थिंक सो तभी ये सब कम होगा हैरेसमेंट वगैरह पेट पेरेंट्स के अगेंस्ट, क्योंकि रूल्स उन्हें बोलो तो उन्हें नहीं सुनना है, वो मैं करके देख चुकी हूँ। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ऑल योर सपोर्ट जो आपने अभी तक दिया है। आपको कोई आइडिया आता है कॉमेंट करो, सजेस्ट अस, यू कैन ऑल्सो DM us ऑन आर इंस्टाग्राम पेज doodle.thebeagle। थैंक यू। हाँ चलो सबको बाय कह दो।